नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एसटीटी और कोर्ट केस के रिगार्डिंग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी अपडेट समय समय पर प्रोवाइड करता रहता हूं इसे लेकर, और आज जो पटना हाई कोर्ट में आलोक जी और पंकज जी का जो केस है, जो कि एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है और जिसकी सुनवाई होने वाली है, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं और किन बिंदुओं पे आज चर्चा होगी और क्या कुछ निष्कर्ष निकलने की संभावना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार से कोरोना की जो महामारी है वो लगातार जो है वो फैलती जा रही है, और इसके कारण एक न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान ने ये खबर भी छापी थी काफ़ी प्रमुखता से, और इसमें इस खबर में ये बताया भी था कि जो 18 सुरक्षाकर्मी थे पटना हाई कोर्ट के, उनमें कोरोना का जो पॉजिटिविटी जो है कोरोना की वो पाई गई है, कोरोना का संक्रमण के लक्षण जो हैं वो पाए गए हैं, जिस कारण से पटना हाई कोर्ट में काम करने का जो तरीका है वो बदला गया है। और इसे लेकर काफ़ी अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि क्या भाई जो बहाली की जो एसटीटी जो रिज़ल्ट है उसकी सुनवाई क्या टल जाएगी या सुनवाई होगी। तो ये बात तो क्लियर है कि भाई तरीका जो है सुनवाई का वो बदल चुका है, अब वर्चुअल तरीके से जो है वो सुनवाई होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और ऑनलाइन माध्यम का भी प्रयोग किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जा सकता है सुनवाई के लिए। तो उम्मीद है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या आज आखिरी सुनवाई होगी और ये जो सुनवाई है क्या डिसीज़न जो है वो निकल के आएगा इस सुनवाई का। तो मैं आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जब कोई केस फाइल होता है तो अंतिम सुनवाई हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास सही और सटीक एविडेंस होगा उतना अधिक से अधिक ये उम्मीद लगाई जाती है कि भाई हमारे पक्ष में जो है वो सुनवाई आएगी और जल्दी निपटेगी सुनवाई। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो देखिए, अगर पटना हाई कोर्ट में एजी साहब उपस्थित हो जाते हैं, केवल उपस्थिति ही अनिवार्य नहीं है बल्कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई उपस्थिति के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या वो पूर्ण रूप से तैयार हो के आए हैं। ठीक है, तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उनकी जो तैयारी है वो कितनी सही है, मतलब कितनी तैयारी के साथ वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जितनी अच्छी उनकी तैयारी होगी तो उतना जो बहस है वो आगे बढ़ेगा। और सभी को एक और अच्छी बात है भाई कि जिस प्रकार से आलोक जी ने वाईवी गिरी वकील जो हायर किया है, आप सभी को ज्ञात होगा कि काफ़ी पटना के माने जाने एडवोकेट हैं ये, और जितनी भी इन्होंने आज तक सुनवाइयाँ की है 100% चांस ऐसा रहा है कि भाई उनकी सुनवाइयों में दम है और कहीं ना कहीं वो जीत हासिल करवाने में सक्षम रहते हैं। तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा छात्रों का जो उम्मीद है और जिन लोगों ने केस फाइल करवाया है, चाहे आलोक जी हो चाहे पंकज जी हो, सभी को उम्मीद है कि भाई अगर वाई वी गिरी केस लड़ रहे हैं तो जीत जो है वो हमारे पक्ष में ज़रूर आएगी। तो अब शाम तक सभी को इंतज़ार करना होगा, जो भी अपडेट आएगी वो सीधे हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भाई वो सीधे अपडेट जो है वो आप तक पहुंचे और आप जानें और समझें उसके बारे में। और सभी लोग और जितने भी छात्र हैं और जो भी दर्शक हैं हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए, अधिकतर सभी छात्र ही हैं केवल जिन्होंने एसटीटी की परीक्षा दी है, तो सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई आज का दिन शुभ रहे और शाम तक एक खुशखबरी उभर के आए, अच्छी खबर उभर के आए कि भाई जो केस में एक निर्णायक फैसला अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, डेट आगे नहीं जाती है तो बहुत अच्छा है। और यही तो मंशा है सभी की, यही मंशा हमारी भी है, यही मंशा आपकी भी है कि भाई डेट आगे ना जाए, क्योंकि सभी को ज्ञात है कि बिहार के पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई को शुरू करने के लिए स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन कब तक स्मार्ट टीचर मिलेंगे? तो स्मार्ट टीचर वो आप लोग ही हैं जिनका नियोजन होगा, और जो स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाने के लिए पंचायतों में हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे आपका 9वीं से अपग्रेडेड विद्यालय हो, कोई भी विद्यालय हो, वहाँ पे हम चाहते हैं कि आप लोग वहाँ पे दिखें पढ़ाते हुए और आपका ये जो सपना है ये साकार हो। तो पॉजिटिविटी
और बी पॉजिटिव रहना सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच नहीं होगी तो हम जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो एजी साहब की उपस्थिति और वाईवी गिरी के द्वारा लड़ा गया आज का केस बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है। ऐसे में सवाल ये है कि भाई क्या आज की सुनवाई का कुछ सकारात्मक पक्ष निकलेगा? तो ज़रूर निकलेगा, ऐसा हम सभी लोग कामना करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।